नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पिछले एक महीने से जो पुराने वीडियो थे वो मैं अपलोड कर रहा था ताकि नए साधक उनको देख पाए। आज से फिर नए वीडियोस की श्रृंखला शुरू हो गई है। तो ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो है दक्षिण काली की साधना आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक सजेशन है कि इससे पहले भी एक वीडियो मैंने भगवती दक्षिण काली के ध्यान पे बनाया है, जिसका लिंक अभी आप लोगों को मिल जाएगा स्क्रीन पर। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में भगवती के ध्यान के बारे में दिया हुआ है। अब आते हैं मूलभूत विषय पे कि भगवती की साधना कैसे की जाए। सबसे पहले ये समझना है कि जो काली है, भगवती काली का जो रूप है जिसकी पूजा हम करते हैं, वो कौन सी काली है और सिद्ध होने के लिए काली की क्या आवश्यकता है। देखो, काली भगवती जो है उनका 8 मुख्य रूप बताया गया। कौन सा? चिंतामणि काली, सर्पमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धिदा काली, दक्षिणा काली, कामकला काली, हंस काली और गुहिया काली। ठीक है। और 10 विद्या महाविद्या में काली के स्वरूप का वर्णन है, या फिर 10 महाविद्या पूर्ण रूपेण काली प्रथम स्थान पर और 10 महाविद्या की बॉस मानी जाती है। ठीक है। भगवती काली का जो प्रादुर्भाव है, एक तो माना जाता है कि आद्या है, महामाया है, जो महाशिव के साथ मिल करके, महादेव के साथ मिल करके जिन्होंने सृष्टि की संरचना की। योग माया मतलब योग निद्रा इनको माना जाता है। योग निद्रा का मतलब क्या होता है? योग निद्रा जिसमें विष्णु जी सुप्तावस्था में रहते हैं। तीसरा, भगवती काली का काली का अवतार माना जाता है, जो कि देवासुर संग्राम में जिन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया था रक्त बीज के वध के बाद। लेकिन एक बहुत मुख्य भगवती का रूप है जिसकी पूजा हम लोग करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि कृष्ण काली क्यों। महर्षि वाल्मीकि ने गुप्त रामायण लिखा था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, उसके अनुसार जो रावण वध हुआ था वो श्री राम के हाथों नहीं हुआ था। गुप्त रामायण में कहा गया कि रावण से युद्ध करते हुए श्री राम मूर्छित हो गए और माँ सीता को ये खबर मिली कि भगवान राम मृत हो गए। तो भगवती अत्यंत क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के उनका वर्ण काला हो गया और फिर उन्होंने रावण का वध कर दिया। ठीक है। तो ये 3-4 व्याख्यान है भगवती के। जो लोग सोचते हैं कि महाकाली सिर्फ महादेव के आसपास ही हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा मैंने एक वर्णन किया कि विष्णु की कथाओं में कहाँ आती हैं भगवती काली। ठीक है। जो उनका स्वरूप है वो विश्वसार तंत्र में उल्लेख किया गया है, जिसमें कि उनको कृष्ण वर्णा बताया गया, 4 भुजा वाली बताया गया, मुंड माला धारण करने वाली, दाहिने हाथ में खड़ग और नील कमल धारण करती हैं और अपने बाएं हाथ में करतनी और खप्पर धारण करती हैं भगवती। ठीक है। और बहुत सारा उनका वर्णन है, जो वर्णन है वो मैंने ध्यान वाले वीडियो में बताया हुआ है। देखो, भगवती काली की साधना कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल तो बहुत सारा बकवास उस पर चलता है। आप लोगों ने को पहले भी बताया था कि गोरक्षनाथ जी के बारे में बता दिया कि काली को उन्होंने युद्ध में हराया था, लेकिन गुरु गोरखनाथ का कहना था कि यदि जीवन में अवसर मिल जाए तो प्रयत्न करके भी काली साधना संपन्न करनी चाहिए। यदि साधक को ऐसा अवसर आने पर चूक जाता है तो उसके सामने कोई उससे मतलब उसके सामान्य कोई दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता है। तो काली साधना जिसको करने का अवसर मिले वो जरूर करे। अब क्या है कि काली साधना में एक विषय मैंने बताया कि सब सोचते हैं सिर्फ महाकाली की अर्धांगिनी महाकाली, विष्णु की कथा में महाकाली नहीं है। तो महाकाली है योग निद्रा और सीता के रूप में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शमशान वासनी है इसलिए इसका गृहस्थ पूजा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। शमशान का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों का, या फिर अघोर जंजीरा में पढ़िएगा,
तो अघोर जंजीरा कहता है मरे मसाना हमारा वासा। इसको सुन करके बहुत लोग अघोर जंजीरा नहीं पढ़ते कि हम तो गृहस्थ हैं, मरे मसाना हमारा वासा कैसे होगा। तो जो पृथ्वी है वो मरने का स्थान है, यहीं पे मृत्यु होता है, ठीक है। पंच महाभूत से आप बन के आते हैं और इस शवदाह में आपका अंतिम संस्कार हो जाता है। यहाँ पे लोग मृत्यु के लिए आते हैं, इसीलिए महाशमशान पृथ्वी को माना गया। तो शमशान वासनी है भगवती का मतलब होता है कि वो पृथ्वी पर वास करती हैं। पृथ्वी पर भगवती का जो स्वरूप वास करता है वो है शमशान वासनी भगवती काली। फिर चिता पर आरूढ़ है। चिता पर है मतलब क्या होता है? चिता का अर्थ होता है जो ज्ञान की अग्नि में ज्वलनशील हो, वो चिता। फिर सब आसना बोला जाता है। सब आसन भगवती को क्यों बोला जाता है? मुर्दे पे आप जब तारा दश महाविद्या का अगर आप लोगों में किसी ने अध्ययन किया हो या फिर उसकी साधना की हो तो उसमें भी है कि मुर्दा मर ऊपर खड़ी देवी तारा, नीली काया पीली जटा, ठीक है। तो मुर्दा मार ऊपर खड़ी देवी तारा या फिर काली शव वाहना है, ये सोच करके गृहस्थ पूजा नहीं करते हैं। शव वाहना का मतलब होता है शिवारूढ़ा, मतलब शिव पर जो आरूढ़ है भगवती। शिव भी शिव तब तक हैं जब तक उनके भीतर भगवती समाहित है। जैसे ही भगवती ऊपर खड़ी हुई शिव से, शिव के ऊपर, महादेव के ऊपर, शिव शव समान है, ठीक है, इसीलिए शवारूढ़ा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्दों का एक माया जाल है जिसमें कि भगवती काली की पूजा करने से लोग डरते हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवती की पूजा कैसे करें। पंचोपकार का पूरा विधान रखेंगे, ठीक है। जो मंत्र दीपक जलाने के लिए दिया है मंत्र वही रहेगा, आयतु देवी त्रयक्षरी गायत्री से छंदम सा माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते, ठीक है। इसके बाद भगवती को पुष्प चढ़ाएंगे, पहले तो ध्यान करेंगे जैसा ध्यान बताया है उस वीडियो में, उसके बाद आवाहन करेंगे एक अड़हुल का फूल देके भगवती के, स्वागतम ते महामाया चंडिके सर्व मांगले पूजाम ग्राहान विविधाम सर्व कल्याण कारिणी। इसके बाद जो पंच पूजा होता है वो सब भगवती को आप अर्पण करेंगे, उसके बाद विनयोग बोलेंगे। अस्य श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि उष्णिक छंदः दक्षिण कालिका देवता ह्रीं बीजं हुं शक्ति क्रीं कीलकं मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनयोग। मतलब जो भी आपका आपके मन में जो भी माँ से वर मांगने की इच्छा है उस वर को मांगते हुए आप भगवती का आवाहन करेंगे और संकल्प लेंगे। मतलब कि जब आप विनयोग मंत्र पढ़ते हैं तो दाहिने हाथ में जल लेकर के उसको गिराया जाता है, उसके बाद न्यास करेंगे। ओम भैरव ऋषये नमः सिरसि, सिर का स्पर्श, उष्णिक छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श, दक्षिण कालिका देवतायै नमः हृदय, हृदय का स्पर्श, ह्रीं बीजाय नमः गुह्य का स्पर्श, मतलब कि पीछे टेल बोन का स्पर्श, हुम शक्तये नमः पदयो दोनों पैर का स्पर्श, क्रीं कालिकाय नमः नाभि का स्पर्श, विनयोगाय नमः सर्वांग सर्पूर अंगों का स्पर्श, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे जितना अंग है सबका आप स्पर्श करेंगे। उसके बाद कर्ण्यास करेंगे। ओम क्राम अंगुष्टाभ्याम नमः अंगूठे का स्पर्श, ओम क्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्रूं मध्याभ्याम नमः, ओम क्रैम अनामिकाभ्याम नमः, ओम क्रौम कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम क्रह करताल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ठीक है। उसके बाद हृदयनाश, ओम क्राम हृदयाय नमः, ओम क्रीम शिरसे स्वाहा, ओम क्रूम शिखाय वसटः, ओम क्रैम कवचाय हुम, ओम क्रौम नेत्राय वसट, ओम क्रह अस्त्राय फट, ठीक है। इन चीज़ों में जितना शब्द आप लोगों को बताया गया, जैसे कर्ण्यास में अंगूठा बताया गया तो अपने इंडेक्स फिंगर से अंगूठे को टच करेंगे, बाकी उंगलियों को जो है अपने अंगूठे से टच करेंगे नीचे से लेकर के ऊपर तक। उसके बाद जब करह करतल कर पृष्ठाभ्याम आया तो जैसे हथेली मलते हैं वैसे ऊपर नीचे हथेली मल लेंगे। जो हृदयनाश बताया उसमें जो जो
अंगों के बारे में बताया, उनको स्पर्श करेंगे, और जब क्रह अस्त्राय फट बोलेंगे तो 3 बार चुटकी बजाएंगे, और फिर जो है जो राइट हैंड का प्रथमा और मध्यमा है उसको बाएं हथेली पे 3 बार ताली बजाएंगे। इतना कर लिया, इतना करने के बाद जो मूल मंत्र है भगवती का उसका जाप करेंगे 108 बार। ठीक है, क्या है मूल मंत्र? क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम, दक्षिणे कालिके। क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम स्वाहा। ठीक है, तो दक्षिण कालिका, ये सब मंत्रों का मंत्र है, जितनी भगवती है सब का। क्रिम क्रिम क्रिम, ये तीनों बीज सृष्टि है। ह्रिम ह्रिम, उसके बाद हुम हुम। ठीक है, तो हुम हुम ज्ञान बीज होता है, जो ह्रिम ह्रिम बीज है वो लय को बद्ध करने वाला है। ठीक है, और जो क्रिम क्रिम बीज मंत्र है वो स्थिति को लय करने वाला है। उसके बाद दक्षिण काली के मतलब भगवती को संबोधन कि हे माँ, आपकी मैं आपका जाप कर रहा हूँ। स्वाहा मतलब यह संसार मात्र स्वरूप है, बाकी जो भी पाप का नाश करना है वो आपके माध्यम से ही होगा। एक बार जब जाप कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है? गुह्य गुह्य गोपत्रितम गृहणम स्वम कृतम जपम सिद्धेर भवति मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी। भगवती का जब जाप करते हैं तो फिर भैरव का जाप अनिवार्य है, तो ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः, ऐसा 108 बार हम लोग जाप करेंगे, और शिव का बीज का ओम हंग नमः शिवाय ऐसा 108 जाप करेंगे। उसके बाद करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभु, ऐसा बोल करके पूजा का समापन कर लेंगे। ठीक है, इतना पूजा आप लोग रोज कर सकते हैं, 10 मिनट का समय लगेगा। काली को सिद्ध कीजिए तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, साथ में भैरव का जाप करेंगे तो जो मैटेरियल लाइफ है वो आपका बैलेंस रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ के साथ, आप माया में फंसेंगे नहीं, और जब आप महादेव का जब आप जाप करेंगे तो फिर आने वाला जीवन आपका कुशल रहेगा, ये तय हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जिसमें हम साधना का जो शुरुआती विषय है वो समझाते हैं, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। माँ भगवती महामाया देवी काली आप सभी पर अनंत कोटि आशीर्वाद बरसाएं, भैरव महाराज आप लोगों पे कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।